इंडिया क्राइम न्यूज देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके जलंधर रोड के ऊपर दो गुटों के बीच में गोली चली, जिसमें एक नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपक कुमार और लकी भाटिया की खास रिपोर्ट। मतलब मैं तो आप कम गया कि इतने हो की गया, मैं इतने सेंटर आने डर गया। किन्ने लोग सी और कितना फायर करते थे? सर एक 100-150 मुंडा इधरों आ गया, ठीक है। जो इधरों फायर निकले एक मिनट लगा सारे पीछे भज गए। अब दो पास बोल गए, एक पास बोल गए। किन्ने राउंड फायर हुए? घट्टो घट 4 राउंड फायर हुए। रणजीत सिंह जी, मसला कुछ नहीं जी, मेरा भनेवा आ मेरे कोल रहिंदा सी काफ़ी लंबे समय तो। उन्हां दा कोई फोन दे उत्तों किसे दूसरे लड़के ने फोन करके उन्होंने सेंटर 'च सद्या, तो वो गलमे तो जरा गलमे तो फड़िया उन्हें। जद कि मैनू घर मैं घर से अज मैनू उन्हें फोन किया कि मामा जी मेरे मगर आयो, तो इदा इदा मैनू किसे लड़के ने जरा कि मैनू बिन वजह के उत्तों गलमे तो फड़िया आ। मैं सेंटर 'च उन्हों अपने भनेवे नूं लै के तो उस बच्चे दे कोल चले गया, उन्होंने सद्या थले, उन्होंने आपो 'च सैट सफाई करा दित्ती। और वो नाल दे जिहड़े साथी ने उन्होंने बारे बार फोनों के उत्ते बाहरों जी कि वार सद ली है। वो अणपछाती व्यक्ति ने पता नहीं कौन है, तो वही जानते हैं, असी नहीं इस चीज़ को जानते। मैं अपना भनेवा लैके धर्मकोट के लागे चले गया, जद कि मैं बाइक कॉल इधरों गई आ कि तुम हमने ही उत्थे पहुँचो, तुहाडे बेटे दे गोली लग चुकी आ। छोटे बेटे दे नाल जिहड़ा लड़का ही उन्हें फोन किया कि अंकल जी तुहाडे बेटे दे गोली लग गई आ मोढ़े दे बैक साइड, तो उन्होंने अं सरकारी हॉस्पिटल लैके जा रहे हैं। बस इन्ना का काम होया, होर कोई गलबात नहीं। कोई नहीं, वो सेंटर में पढ़ते हैं, कोई वो फोन दे उत्तों कोई उन्होंने फोन करके उन्होंने भनेवे नूं सद्या, और कोई कहता कोई भी यहो जहा कोई झगड़ा नहीं, बस उन्होंने सैट सफाई करती, कोई यहो जी कोई गल। मैं कहना जी मैनूं कोई पता ही नहीं, मैं तो अपने बच्चे नूं लैके इत्थे आया। उत्थे ही बस उन्होंने मैनूं यहो कुछ पुछया कि सवेरे तुसां इन्हां दी सैट सफाई की कराई सी। ये मेरे सैट सफाई जाण तों बाद असीं तां धर्मकोट दे लागे चले गए, इत्थों कोई 8-10 किलोमीटर दूरी ते मैं भी और मेरा भनेवा भी। मेरा बेटा उत्तों ही वल के मोटरसाइकिल लैके आ रहा, वो मगर गोलियां चलिया ने। वो इतने कुछ नहीं करता जी, वो मेरे मगर ही सवेरे जो कि मैं घरों निकल आया, तो उन्होंने आख्या पता नहीं कहना की गलबात हो गई है, तो प्यो के मगर ही वो आए हैं। लवनीत सिंह, लवप्रीत सिंह। मैं पंजाब पुलिस से इतने बतौर हैड कॉन्सटेबल, मेरी मैडम के नाल परमिंदर कौर, रणजीत सिंह। नहीं, वो बारे मैं कुछ नहीं कह सकता, पता ही नहीं, मैं ना देखे जी। मैं तो पता नहीं, मैं तो उन्होंने उन्होंने पूछताछ कर रही है। इतने ना दिलप्रीत सिंह आया एक लड़का, सानू सरबजीत सिंह भगवानपुर तो, वो इस इंस्टीट्यूट के आईलैट्स कर रहा, तो वो कसवाली पिंड तो मुंडा आया लवप्रीत सिंह, वो कोई इन्हों की आपस में कोई किसी लड़की तो तलकलामी हुई सी, उतों लैके जी गल है गांह वधी है, तो फिर दोवें धिरां दे विच आपस विच टकराइयां ने, दोवां ने अपने सपोर्टर जिहड़े जो भी मंडीर है ज मुंडे मंडे को सद्दे ने, तो वह फिर जो झगड़ा वध्या तो फिर इतने कुछ फायर हुए ने। एक लड़के नूं गोली लगी है, वह जोल हॉस्पिटल दाखिल है, वह हुण बयान वगैरह ही लैके अगली कार्रवाई वो करा। नहीं अजे 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 एक्चुअली अं कैमरे वगैरह खंगाल रहे हैं, सानू फायर की गिनती का नहीं है। नहीं नहीं अजे कन्फर्म नहीं कुछ भी होया, अजे तो अं आए हैं, वो जो लड़का जो दिलप्रीत है उन्होंने मिले हैं जिदे झगड़ा होया है, तो एक लड़का जो लवनीत करके आ रणजीत सिंह का मुंडा सरवाली तो, उन्होंने गोली लगी वो अजे गलबात साड़ी हुई नहीं। नहीं नहीं गोली चलाई तो अजे पछाण नहीं हुई सानू, सारे अणपछाते ने है, तो इन्होंने सपोर्टर ही ने आप जो दोवें तरह लड़ियां ने, हम वो वेखते हैं कौन है। नहीं फुटेज के अजे सामने कोई गल नहीं, नहीं अजे ये चीज़ की संभावना तो यह है भी दोवें तरह तो चली होगी, पर अजे कन्फर्म नहीं की गल है। लड़की ने कोई गलबात हो सकी? नहीं अजे कोई गल नहीं हो सकी। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।